हेलो एवरीवन, सिविल स्टेप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह हमारे जिज्ञासा सीरीज का लेक्चर है। इसमें हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो आपके आने वाले प्रीलिम्स 2019 के लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। इस सीरीज को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप करंट अफेयर्स की तैयारी काफी आसानी से कर पाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी काफी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस सीरीज के जो सोर्सेज यूज किए जाते हैं वो है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिन स्टैंडर्ड, लाइव मिंट और PIB। इनके जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं उससे हम MCQs बनाते हैं और आपके सामने लेकर के आते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पे विजिट करके आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां से इस पूरे लेक्चर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना वहां स्कोर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, इट इज रिलीज्ड बाय इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। सेकेंड है, द रिपोर्ट इलस्ट्रेट्स द करेंट स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट, इलस्ट्रेट्स पॉसिबल फ्यूचर इन्वायरमेंटल ट्रेंड्स एंड एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज। आपको यह बताना है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, जो पहला स्टेटमेंट है या गलत है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज किया जाता है, ना कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल के द्वारा, तो पहला गलत हो जाता है। जो सेकेंड स्टेटमेंट है यह बिल्कुल सही है, यह इन्वायरमेंट के करंट सिचुएशन की जानकारी देता है, साथ ही साथ फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या होगी उसके बारे में बताता है और पॉलिसीज के इफेक्टिवनेस के बारे में भी बताता है। तो आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है यह सही हो जाता है। आपका आंसर है 2 ओनली, बी फर्स्ट गलत है। इसके डिटेल को समझते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा अभी ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट का 6th एडिशन जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में इन्वायरमेंट के करंट स्टेट्स की बात कही गई है, साथ ही साथ फ्यूचर में क्या ट्रेंड इमर्ज होंगे इसका भी एनालिसिस किया गया है और कंट्रीज जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही इन्वायरमेंट के लिए वो इफेक्टिव है या नहीं इसे भी एनालाइज किया गया है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है यह। UNEP का फ्लैगशिप इन्वायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट होता है। इसको सबसे पहले 1997 में रिलीज किया गया था, उसके बाद हर 3-4 सालों पर यह रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। ये UNEP का कोर फंक्शन है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिए। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के डिटेल को समझ लेते हैं। इसे सबसे पहले 1972 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका कोर फंक्शन यह है कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंतर्गत इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करे और इंटरनेशनल कोऑपरेशन डेवलप करे इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर के, ताकि जो कंट्रीज हैं इफेक्टिव पॉलिसीज बनाए अपने इन्वायरमेंटल इश्यूज से डील करने के लिए। साथ ही साथ यह साइंटिफिक कम्युनिटी को भी इंकरेज करता है कि वो पॉलिसीज मेकिंग में पार्टिसिपेट करें ताकि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई जा सके। UNEP का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में है, केन्या में, तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। यह प्राइवेट सेक्टर को भी इंकरेज करता है कि वो पॉलिसीज में और गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करे और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल जो मेथड है उसे यूज करे अपने प्रोडक्शन में और जो भी एक्टिविटीज वो कर रहे हैं उसमें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसे आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट के 6th एडिशन के कुछ की फाइंडिंग्स को समझते हैं। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे ड्रॉट का खतरा बढ़ गया है, फ्लड और सुपर स्टॉर्म्स के खतरे बढ़ गए हैं, सी लेवल भी काफी तेजी से राइज कर रहा है इस ग्रीन हाउस गैस इमिशन के कारण। फ्यूचर में यह काफी अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया है कि वर्ल्ड वाइड जो भी प्री मेच्योर डेथ होते हैं उसमें से 1/4 डेथ मैनमेड पोल्यूशन के कारण होता है। यह काफी बड़ा नंबर है। 2015 में मैनमेड पोल्यूशन के कारण 9 मिलियन लोगों का डेथ हुआ, तो यह काफी अलार्मिंग सिचुएशन है, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ड्रिंकिंग वाटर की कमी के कारण, मतलब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की कमी के कारण 1.4 मिलियन लोग हर साल मर रहे हैं, जिसे आसानी से बचाया जा सकता है, तो यह भी काफी अलार्मिंग सिचुएशन है। सी में हम केमिकल पंप कर रहे हैं जिसका काफी एडवर्स इफेक्ट हो सकता है हमारे हेल्थ पे, बिकॉज ये मल्टी जनरेशनल इंपैक्ट होता है। एक बार फिश में कोई चला गया तो बायो मैग्निफाई करता है और हमें फ्यूचर में काफी इंपैक्ट कर सकता है। लैंड डिग्रेडेशन भी काफी तेजी से हो रहे हैं, 3.2 बिलियन पीपल जहां रहते हैं वहां डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो यह भी काफी अलार्मिंग सिचुएशन है। इन सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिए। इस रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया है कि डिक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड पेस्टिसाइड यूज टू इंप्रूव द एयर एंड वाटर क्वालिटी, मतलब यह है कि हमें ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम करना पड़ेगा और पेस्टिसाइड्स जो हम यूज कर रहे हैं उसे भी कम करना पड़ेगा, जिससे हम एयर और वाटर को इंप्रूव कर सके, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। साथ ही साथ
वर्ल्ड वाइड जो फूड वेस्ट करते हैं उसके कारण से 9% ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है। इसे काफी आसानी से रोका जा सकता है, इस पे बल दिया गया है कि एटलीस्ट हम फूड वेस्ट को रोक पाएंगे तो इससे हमारा ग्रीन हाउस गैस का इमिशन भी कम होगा, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सजेस्ट किया गया है कि हम लेस्ट मीट इंसेंटिव डाइट को एडॉप्ट करें, जो हमारा नॉर्मल मीट इंटेंसिव डाइट है उसे हम कम कर सकते हैं, इससे हमारा फूड वेस्ट होगा वो काफी कम हो सकता है। वर्ल्ड में हम 1/3 फूड वेस्ट कर देते हैं और रिचर नेशन में मोर देन 56% जो फूड है वो वेस्ट होता है, तो इन सब को आसानी से रोका जा सकता है जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपको मेंस के आंसर लिखने में भी काफ़ी मदद मिलेगी और प्रीलिम्स में स्टेटमेंट के पॉइंट में ये सारे सवाल बन सकते हैं, तो इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप ध्यान रखिए। आपका अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, द मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इज ₹100 करोड़। सेकेंड स्टेटमेंट है, एस एफ बीज एम एट इंश्योरिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू द सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। आपको यह बताना है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो पहला स्टेटमेंट है यह बिल्कुल सही है, इसका मिनिमम पेड अप इक्विटी जो कैपिटल होना चाहिए वो 100 करोड़ होना चाहिए। और जो सेकंड स्टेटमेंट है यह बिल्कुल सही है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम करता है या क्रेडिट सप्लाई करता है स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। आपका आंसर है बोथ 1 और 2 सी। इसके डिटेल को समझते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि अभी इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट एजेंसी इकरा का एक रिपोर्ट आया है जिसमें यह कहा गया है कि मीडियम टर्म में स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स 25 से 30% तक ग्रो करेंगे, तो ये काफी बड़ा नंबर है, काफी इंपॉर्टेंट है इसका ग्रो करना, तो इस सेंस में आप इसे ध्यान रख सकते हैं। यह जो फर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट एजेंसी, इसे 1991 में सेटअप किया गया था फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, और यह इंडिया का इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो इन फैक्ट को आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर करते हैं, या छोटे बिजनेसेस को लोन देते हैं, फार्मर्स को लोन देते हैं स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें लोन देते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर इनका ज्यादा फोकस होता है, तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। इनका जो मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल है वो 100 करोड़ होना चाहिए और ये बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, डिपॉजिट और लेंडिंग जो होता है बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज उसे ये करते हैं, तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिए। स्मॉल फाइनेंशियल बैंकिंग से रिलेटेड यूपीएससी से सवाल पूछ सकती है, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है और न्यूज में भी काफी रहा है। आपका अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू रिसेंट आउटब्रेक टू पिंक बॉलवॉर्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, पिंक बॉलवॉर्म हैज अटैक्ड द फूड क्रॉप अक्रॉस इंडिया पार्टिकुलरली इन वेस्ट सेंट्रल एंड साउदर्न पार्ट्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, द पिंक बॉलवॉर्म इज नेटिव टू अफ्रीका बट हैज बिकम एन इन्वेसिव स्पीसीज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको यह बताना है कि पिंक बॉलवॉर्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो पहला स्टेटमेंट है यह गलत है, यह गलत इसलिए है बिकॉज इसने फूड क्रॉप को अटैक नहीं किया है, फाइबर क्रॉप को अटैक किया है, और सेकेंड पार्ट इसका सही है कि स्पेशली वेस्ट सेंट्रल एंड साउदर्न पार्ट में इसने ज्यादा अटैक किया है। जो सेकेंड स्टेटमेंट है यह भी गलत है, यह गलत इसलिए है बिकॉज ये एशिया का नेटिव है ना कि अफ्रीका का, और यह वर्ल्ड वाइड इन्वेसिव स्पीसीज बन चुका है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। आपका आंसर है नाइदर वन नॉट टू, मतलब कि डी, ये आपका आंसर है। इसके डिटेल को हम समझते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि पिंक बॉलवॉर्म ने भारत में फाइबर क्रॉप को काफी ज्यादा तबाही पहुंचाई है, स्पेशली वेस्टर्न सेंट्रल एंड साउदर्न पार्ट में, तो इस कारण से यह न्यूज में है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसका रीजन यह बताया जा रहा है कि यह जो पिंक बॉलवॉर्म है इसने बायोटेक सॉल्यूशन के प्रति रेसिस्टेंट डेवलप कर ली है, पहले यह रेसिस्टेंट डेवलप नहीं किया था तो ये काफी इफेक्टिव होते थे, अब ये इफेक्टिव नहीं है। ये है क्राई 1AC और क्राई 2AB जो इसके सॉल्यूशन हुआ करते थे। रिसर्चर ने कुछ मेथड सजेस्ट किया है जिससे हम अपने क्रॉप को बचा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हम जो कॉटन सीजन है उसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, जो हम क्रॉप रेसिड्यू है उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, रोटेशन क्रॉप टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, तो इन सब से क्रॉप को बचाया जा सकता है। यह जो पिंक बॉलवॉर्म है यह एशिया का नेटिव है लेकिन यह वर्ल्ड वाइड इन्वेसिव स्पीसीज है, स्पेशली कॉटन ग्रोइंग रीजन के लिए। यह कॉटन को हानि पहुंचाता है, उसके लिए काफी बड़ा पेस्ट है और काफी खतरनाक पेस्ट है।
इसकी जो फीमेल होती है वो कॉटन के बॉल पे अपना एक देती है, और एक जब वो लार्वा में कन्वर्ट होते हैं तो वो क्रॉप को डैमेज करते हैं। तो एक सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान रखिए, पिक्चर में भी दिखाया गया है कि ये जो कॉटन का बॉल है इसके ऊपर इसका लार्वा बड़ा हो रहा है तो इसे ये इंपैक्ट करता है। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिए। आपका अगला सवाल है, क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंकिंग इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। आपको यह बताना है कि क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंकिंग किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है यूएन हैबिटेट, बी है मर्सर, सी है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट और डी है मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट। आप ये बताइए कि क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंकिंग इनमें से किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। यह पब्लिश किया जाता है मर्सर के द्वारा। इसके डिटेल को समझते हैं। इस तरह के फैक्चुअल्स वाला अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यूपीएससी हर साल रैंकिंग और इंडिसेस से सवाल पूछती है तो आपको हर इंपॉर्टेंट रैंकिंग और इंडिसेस को ध्यान रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि मर्सर के द्वारा 2019 के लिए क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंकिंग जारी की गई है। यह मर्सर के द्वारा एनुअली जारी किया जाता है और इस सर्वे में सिटी के लिविंग स्टैंडर्ड को एनालाइज किया जाता है, जिससे एमएनसीज को फायदा होता है। वह यह समझ पाते हैं कि उनको अपने एम्प्लॉय को कैसे कंपनसेट करना है, स्पेशली इंटरनेशनल असाइनमेंट्स के लिए। इस बार की जो रैंकिंग आई है उसमें ऑस्ट्रिया के वियना ने टॉप किया है, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख का सेकेंड स्थान है, भारत के सिटीज का जो बेस्ट रैंकिंग है वह हैदराबाद और पुणे का, इन दोनों का स्थान 143 है। भारत काफी पीछे है इसमें, आप देख सकते हैं। मर्सर वर्ल्ड वाइड ग्लोबल कंसल्टिंग लीडर है हेल्थ वेल्थ और कैरियर के एडवाइसिंग को लेकर के, तो इसे आपको ध्यान रखना है। एनुअली यह क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंकिंग जारी करता है तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। यह जो रैंकिंग जारी करता है उसका बेसिस होता है कि सिटी में लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, वहाँ की इंटरनल स्टेबिलिटी क्या है, क्राइम रेट क्या है, वहाँ के लॉ इन्फोर्समेंट का इफेक्टिवनेस क्या है, साथ ही साथ कंट्रीज का वर्ल्ड वाइड रिलेशनशिप क्या है। तो इन सब बेसिस पर रैंकिंग जारी की जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आपको ध्यान रखना है। इस बार की क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंकिंग में 231 सिटीज को एनालाइज किया गया था, 231 आप इसे ध्यान रखिएगा। इसमें जो सबसे लास्ट रैंक है वो इराक के बगदाद का है। इस मैप में टॉप 10 और बॉटम 10 सिटीज की लिस्ट दी गई है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं, यह काफी इंपॉर्टेंट है। हमने डिस्कस किया वियना ने टॉप किया है, उसके बाद जो सेकेंड स्थान है वह है ज्यूरिख का, तीसरा स्थान पे दो सिटीज हैं जर्मनी के म्यूनिक और वैनकूवर कनाडा के, तो इसे आप ध्यान रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप बेसिक ध्यान रख सकते हैं कि किस रीजन की कंट्री टॉप पे है और किस रीजन की कंट्री जो है बॉटम 10 पे है। अफ्रीकन कंट्रीज मोस्टली बॉटम 10 पे हैं, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं। आपका अगला सवाल है, आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है सिक्किम, सी है असम और डी है मणिपुर। आपको यह बताना है कि आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। यह फैक्चुअल सवाल है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर है सी असम। इसके डिटेल और कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि आर्मी ने यह डिसाइड किया है कि उसके नारंगिक कंटेनमेंट के पास जो भी शार्प आयरन स्पाइक्स हैं उसे यह रिमूव कर लेगा। इसके कारण से एलिफेंट को मूवमेंट करने में काफी प्रॉब्लम आती थी और उसका यह जो कंटेनमेंट है यह आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बॉर्डर करता है, उससे इसका बॉर्डर टच करता है। इस कारण से यह सेंचुरी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूपीएससी ऐसे जो भी छोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं उससे उसके राज्य के बारे में सवाल पूछ लेती है कि स्पेशली यह किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है असम में, गुवाहाटी के ईस्टर्न फ्रिंज में स्थित है, इसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ तीन इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट भी हैं, कान्हापारा, आमचांग, साउथ आमचांग, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। इसके नॉर्थ में ब्रह्मपुत्रा रिवर बहती है और साउथ में मेघालय के हिली फॉरेस्ट हैं। यह जो सेंचुरी है इसमें फ्लाई फॉक्स मैमल्स काफी इंपॉर्टेंट है, चाइनीज पेंगोलिन भी मिलता है इसमें, यह काफी एक्जॉटिक एनिमल है और इसके ट्रेड पे बैन है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ थ्री येलो बटरफ्लाइज मिलते हैं जो कि थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर के इंडिजिनस एनिमल है, तो उस कारण से यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ जो बर्ड्स मिलते हैं उसमें व्हाइट वेट वल्चर काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ इंडियन कोबरा और पाइथन भी मिलते हैं। यहाँ जो फॉरेस्ट का टाइप है वो है ईस्ट हिमालयन मिक्स डिसिडुअस फॉरेस्ट, यह काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ईस्ट हिमालयन साल फॉरेस्ट भी मिलते हैं, तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिए, बिकॉज यूपीएससी इनमें से किसी से भी आपको सवाल बना सकती है, स्पेशली स्टेटमेंट के फॉर्म में कोई भी सवाल यूपीएससी के द्वारा दिया जा सकता है, तो सबको आपको ध्यान रखना है।
होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं हमारे इस सीरीज से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने में कैसे मदद मिलती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पे विजिट करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहां से इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना वहां स्कोर भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।